याद करिए जब आपने नया फोन लिया था, आपका हैप्पीनेस लेवल बढ़ गया था, लेकिन कुछ समय बाद फिर पुराने लेवल पर वापस आ गया। ऐसा तब होता है जब हमारा कोई क्लोज्ड हमें छोड़कर चला जाए। हम बहुत दुखी हो जाते हैं, हमारा हैप्पीनेस लेवल जीरो हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद फिर पुराने लेवल पर वापस आ जाता है। इसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं, यानी कोई भी चीज़ जो आपको एक्साइट आज कर रही है वो कल आपको उतनी एक्साइट नहीं करेगी। हमारा जो हैप्पीनेस लेवल होता है वो फिक्स होता है। जैसे कि मान लो 1 से 10 के स्केल पे आप हमेशा नंबर 6 या 7 पे रहते हो, एवरेज लेवल। अगर आपकी शादी मनपसंद लड़की या लड़के से हो जाए तो हो सकता है कि आपका हैप्पीनेस लेवल 9 या 10 पे चला जाए, लेकिन 2 साल बाद वापस लेवल 7 पे आ जाए। आपका कोई क्लोज है और छोड़कर चला जाता है तो हो सकता है कि आपका हैप्पीनेस लेवल 0 हो जाए, लेकिन 2 साल बाद वापस लेवल वहीं आ जाएगा। इसलिए किसी भी चीज़ या किसी भी इंसान के पीछे ये उम्मीद लेके मत भागो कि वो आपको खुश करेगा। हाँ, वो आपकी लाइफ के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, पर परमानेंटली वो आपको खुश नहीं रख सकता।